फ्रेंड्स, तो आज हम अब सॉल्व करेंगे कोर्सेफ का जनवरी कुक ऑफ 2020 डिवीजन 3 का थर्ड प्रॉब्लम, जो कि है पैलिंड्रोम्स नॉट अलाउड। तो इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कह रहा है कि जे जे का बर्थडे है और आपको डिसाइड करना है कि उसे एक गिफ्ट देना है, जो कि एक स्ट्रिंग होगा और उस स्ट्रिंग में क्या होगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट होगा और उस स्ट्रिंग का लेंथ है एन। लेकिन आप जानते हैं कि जे जे को क्या है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पसंद नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है, जो स्ट्रिंग यानी कि जैसे एस वाई एस हो गया है, सामने से भी पढ़े तो एस वाई एस ही होगा और पीछे से पढ़े तो भी एस वाई एस होगा, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों एंड से स्ट्रिंग सेम हो, वही पैलिंड्रोम होता है। तो उसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पसंद नहीं है, तो हमें डिसाइड करना है कि उसे कोई भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग गिफ्ट ना करे जो कि लेंथ क्या हो, टू या टू से ज़्यादा हो। तो कोई भी स्ट्रिंग का अगर सिंगल कैरेक्टर होगा तो वो पैलिंड्रोम क्या चेक करेंगे, अगर दो कैरेक्टर होगा जैसे ए ए हो गया तो यहाँ पर ए ए पैलिंड्रोम है, अगर ए बी हो गया तो ए बी पैलिंड्रोम नहीं है। ये हम लोग को गिफ्ट करना है उसे स्ट्रिंग, तो हम लोग को ऐसा सूटेबल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है और उसे आउटपुट कर देना है। यही यहाँ पे बताया गया कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है, इफ़ जैसे हम इसे सामने से पढ़ते हैं और पीछे से पढ़े तो दोनों सेम हो, उसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे एन डबल ओ एन नून स्ट्रिंग हो गया, सामने से पढ़े तो भी नून और पीछे से पढ़े तो भी नून, उसी तरह लेवल हो गया, लेवल क्या हो गया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, ये टी, यानी कि ये टी टेस्ट केस के लिए है। एन हो गया नंबर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है एस स्ट्रिंग का। आउटपुट फॉर्मेट हो गया, वही हम लोग को स्ट्रिंग प्रिंट करना है, यानी कि एन एन लेंथ का स्ट्रिंग प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट दिया गया है थ्री, टेस्ट केस थ्री हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पे टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ फोर है। अगर टू है तो जैसे जी एल हो गया तो ये जी एल क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। एच एफ भी पैलिंड्रोम नहीं है, यहाँ फोर दिया है वो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे यहाँ पे फोर्थ में थर्ड टेस्ट केस ले लेते हैं, डब्ल्यू ए ओ डब्ल्यू स्ट्रिंग, तो इसका अगर सब स्ट्रिंग देखे टू का तो डब्ल्यू ए होगा, उसी तरह ए ओ होगा और ओ डब्ल्यू होगा, इस तीनों में से कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। सब स्ट्रिंग होता है कोई स्ट्रिंग का पार्ट, कंटिन्यूस पार्ट, यही सब स्ट्रिंग होता है। उस स्ट्रिंग का कोई भी सब स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम नहीं होना चाहिए। ये तीन लेंथ का देखे तो डब्ल्यू ए ओ एंड ए ओ डब्ल्यू, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फोर्थ लेंथ का भी डब्ल्यू ए ओ डब्ल्यू भी पैलिंड्रोम नहीं है, यहीं पर समझाया गया है। अब फाइनली इसे सबमिट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। कोड रहा इसका, यह है हमारा कोड, यहाँ से देख सकते हैं। इसका एल्गोरिथम यही है कि ये टेस्ट केस इनपुट कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना लिए हैं जिसमें क्या करें, उस स्ट्रिंग में पहले हम स्टोर कर दे रहे हैं ए टू जेड तक, ये स्ट्रिंग हमारा एस हो गया जिसके अंदर ये इस लाइन में इतना कर रहे हैं, वही जीरो टू लेके 26, यानी कि अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 कैरेक्टर ही होते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर भी यही रहे हैं कि उस स्ट्रिंग में हम पहले से पूरा अल्फ़ाबेट का जितना भी कैरेक्टर हो पूरा कैरेक्टर स्टोर कर दे रहे हैं। यानी कि एस के अंदर अभी क्या आ गया, एस के अंदर आ गया ए बी सी अप टू जेड, यानी कि एस के अंदर जेड तक आ गया। उसके बाद टेस्ट केस इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद जितना बार टेस्ट केस होगा उतना बढ़िया हम लोग को स्ट्रिंग आउटपुट देना है। उसके अंदर एक स्ट्रिंग आर ई एस यानी कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना ले रहे हैं, रिजल्टेंट स्ट्रिंग, और उसमें क्या कर रहे हैं आई इक्वल टू जीरो टू एन तक, यानी कि एन टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एन तक है, तो हम लोग को एन लेंथ का स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट किस तरह से करेंगे, एक के का वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग में हम लोग क्रिएट किए हैं, जैसे जीरो थ इंडेक्स पे ए हो गया, वन थ इंडेक्स पे बी हो गया, इसी तरह ये इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 26 लेंथ है इसका। तो हमारे रिजल्टेंट स्ट्रिंग में इसी स्ट्रिंग का कैरेक्टर यानी कि जीरो टू स्टोर कर रहे हैं। अगर के का वैल्यू यानी कि एन अगर 26 से ज़्यादा है, तो अगर k का वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो फिर से रिपीट करने लग गया, इसीलिए हम लोग फिर से k का वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, यानी कि फिर से a2 शुरू हो जाए, क्योंकि z के बाद अगर ASCII में देखो तो वो दूसरा कैरेक्टर आने लगेगा। हम लोग को बनाना है सिर्फ अल्फ़ाबेट का स्ट्रिंग। रिजल्टेंट स्ट्रिंग में s का k यानी कि s हमारा ए स्ट्रिंग है, रिजल्टेंट स्ट्रिंग में इसी का a टू b a b c d इस तरह करके स्टोर कर ले रहे हैं और फाइनली रिजल्टेंट स्ट्रिंग को आउटपुट कर दे रहे हैं।
ये हमारा कोड भी एक्सेप्ट हो चुका है, ये रहा हमारा आउटपुट। जैसे कि अगर थ्री इनपुट हो रहा है ये तो टेस्ट केस हो गया, टू इनपुट हो रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो ए बी, उसी तरह फिर से टू इनपुट हो रहा है तो ए बी, फोर इनपुट हो रहा है तो ए बी सी डी। इनमें से कोई भी स्ट्रिंग का कोई भी सब स्ट्रिंग हम लोग उठा ले तो दो से लेके चार कैरेक्टर तक कोई भी पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कि ए बी पैलिंड्रोम नहीं है, बी सी पैलिंड्रोम नहीं है, सी डी भी पैलिंड्रोम नहीं है, ए बी सी पैलिंड्रोम नहीं है, बी सी डी भी पैलिंड्रोम नहीं है, ए बी सी डी भी पैलिंड्रोम नहीं है। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।